हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो क्लास में मेरे प्यारे दोस्तों साथियों, आप लोग पढ़ने वाले हैं हेड टू कलियूज स्पोकन इंग्लिश ग्रामर के। इस क्लास में पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ हेड टू, यानी कहां पर आपको हेड टू का यूज करना है और हेड टू के माध्यम से किस प्रकार के हिंदी सेंटेंस को, वाक्यों को इंग्लिश में चेंज कैसे कर पाएंगे, वो चीज आपको हम बताने वाले हैं। जल्दी से आप लोग स्टार्ट हो जाएं और समय को व्यर्थ ना करते हुए आप लोग अपनी कॉपी और पेन निकाल लें ताकि टाइम खराब ना हो, और जो भी इम्पोर्टेंट हम चीज बताने वाले हैं उसे आप जल्दी से नोट कर लें। और दोस्तों, कोई भी यदि साथी, कोई विद्यार्थी, कोई मित्र यदि अपने चैनल पर नया है अपनी स्क्रीन पर, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, और यदि नहीं करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ के जरूर देख लें। दोस्तों दोस्तों स्क्रीन पर देखें आपको एक बार कि हम बात कर रहे हैं यूज ऑफ हेड टू, हेड टू का यूज क्या करना है और इसका हिंदी अर्थ क्या क्या होता है। हेड टू का हिंदी अर्थ जो होता है आपके स्क्रीन पर, इसे आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए अपने अपने कॉपी में। करना था, करना पड़ता था, करना पड़ा, या ना था, नी थी, ने थी, ये इसका हिंदी अर्थ होता है। अब किसी भी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में यदि इस प्रकार से हिंदी अर्थ निकल रहा है उसका, तो उस हिंदी सेंटेंस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए आप हेड टू के माध्यम से। और ये दोस्तों की मॉडल वर्ब है, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था हैज टू और हैव टू का यूज कहां करते हैं, और आज की इस क्लास में आप हैड टू का यूज पढ़ रहे हैं। ये पास्ट का है, ठीक है, वो मैंने प्रेजेंट में बताया था, हैज टू हैव टू यूज प्रेजेंट में होता है, पास्ट में हैड टू का यूज था। अगले वीडियो क्लास में बताऊंगा फ्यूचर के लिए विल हैव टू, शैल हैव टू का यूज, है ना। तो ये पास्ट के लिए है। अब पुरानी बात में ऐसा करना पड़ता था, मुझे रोज स्कूल जाना पड़ता था, मुझे रोज खाना बनाना पड़ता था, मुझे रोज कपड़े साफ करना पड़ते थे, मुझे रोज बाजार जाना पड़ता था। तो इस टाइप के जो आप सेंटेंस हैं उसे आप अपने दोस्तों से, अपने घर में रिश्तेदार से पूछना, बोलना चाहते, कहना चाहते हैं, तो उसे आप हेड टू का यूज करके बोलिएगा। आपको यदि इंग्लिश सीखना है धीरे धीरे, छोटे छोटे सेंटेंस प्रकार से बनाना आपको आना चाहिए। तो दोस्तों, और आपको एक और बता दूं, मैंने कल भी वीडियो में बताया था कि मॉडल वर्ब्स जब भी आप सेंटेंस यूज करेंगे तो वी वर्ब का यूज किया जाता है, क्योंकि दोस्तों हैड टू एक मॉडल वर्ब है, यहां पर आप वी वर्ब का यूज करेंगे, इसके साथ मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आप यूज करेंगे। कुछ मैंने आपके स्क्रीन पर एग्जाम्पल लिख रखे हैं, ये आपके समझने के लिए, और इनके माध्यम से आप और तमाम लाखों करोड़ों सेंटेंस आप बना सकते हैं। जैसे देखिए, सेंटेंस जो सिक्स टाइप के हैं उन्हें आप किसी भी प्रकार का बना सकते हैं, सिंपल बना सकते हैं, नेगेटिव बना सकते हैं, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव विद नेगेटिव, डबल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव विद नेगेटिव, सिक्स टाइप से आप तमाम बना सकते। आप सेंटेंस आ जाता है तो फिर आप और भी जितनी भी एक्सरसाइज, जितने भी टॉपिक है उनके हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के जो स्ट्रक्चर, वो भी आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रखा है, हमें पढ़ना पड़ता था, हिंदी अर्थ मैंने एक बार बता ही दिया है और आप इसे नोट भी कर सकते हैं, हमें पढ़ना पड़ता था, बी हैड टू स्टडी, बी हैड टू स्टडी वी वर्ब का यूज करना है, हमें पढ़ना पड़ता था, हमें रोज नहाना पड़ता था, हमें रोज खाना बनाना पड़ता था, हमें रोज मंदिर जाना पड़ता था, रोज बाजार जाना पड़ता था, रोज कमरा साफ करना पड़ता था, तमाम सेंटेंस आप इस टाइप से भी बना सकते हैं हेड टू से। अब देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल आपका इंटरोगेटिव भी बना रखा है, मुझे कब जाना था, ना था, नी थी, ने थी, यदि आता है तो भी आप इसे हेड टू से ही बनाए, व्हेन हैड आई टू गो। देखिए, आप यहां पर एक चीज डिफरेंट लग रही होगी, टू देखिए वी वन है जो, उसके साथ आपको ये टू ये कहीं नहीं जाएगा, टू को आपको यहीं पर लिखना है, बाकी ये हेड सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, वो ये डब्ल्यू एच वर्ड है, ये अग्रिम वर्ब के पहले आ जाता है। दोस्तों टेंसों में आपने पढ़ा होगा, टेंस की क्लासेस आप देख सकते हैं पुरानी मेरी वीडियोस की, है ना, तो ये डब्ल्यू एच वर्ड है जो पहले आ जाता है, उसके बाद आप जो हेल्पिंग वर्ब है या फिर हेड है, तो आप ये मॉडल वर्ब बन चुकी है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप पे काम करेगी, है ना। दोस्तों ये भी आपने सुना होगा कि जितनी मॉडल वर्ब्स है वो एक हेल्पिंग वर्ब की तरह एक एक्सिलरी वर्ब होती है जो काम करती है, जहां हेल्पिंग वर्ब रहेगा वहां पर आप मॉडल वर्ब को आप लिख सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद में टू लगा है, टू वी वन
है ना, ये वी वन के साथ टू यहीं पर ऐड रहेगा, क्वेश्चन मार्क ऐड कर दें। हमें कहां नहीं बैठा, सॉरी हमें कहां नहीं बैठना था, चूंकि यहां पर ना आएगा दोस्तों ये चीज, हमें कहां नहीं बैठना था। वेयर हैड वी नॉट टू सिट, यहां पर नॉट का भी यूज कर दिया है, तो सब्जेक्ट के बाद आपको पता है नॉट का यूज ही रहता है, टू के साथ ही रहे। यानी दोस्तों ये जो टू है आपका, ये हैड टू, हैड के साथ जो टू है, ये वाला टू जैसे हम अन्य और सेंटेंस बनाएंगे नेगेटिव या इंटरोगेटिव या डबल इंटरोगेटिव, तो ये भी वन के साथ यहां पर रहेगा ये टू, ठीक है दोस्तों। और हेड को आप इधर उधर करेंगे जहां पर जिस सेंटेंस में लिखा जाता है, तो वेयर डब्ल्यू एच वर्ड, फिर आपने हेड लिखा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर टू लगा के, फिर सिर्फ वी वन का यूज किया। इस टाइप से आप इंटरवेटिव या इसको क्वेश्चन में इंटरवेटिव सेंटेंस बोलते हैं, डबल इंटरवेटिव नेगेटिव आपने बना दिया सही। इसके बाद दोस्तों मैंने और दो एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर दिए, मुझे आना था, ना था, नहीं थी, क्योंकि मैंने बताया है कि इस टाइप से आप हिंदी सेंटेंस में लास्ट में आता है, तो उसे आप हैड टू यूज, आई हैड टू कम, मुझे आना था, मुझे खाना बनाना पड़ता था, सॉरी तुम्हें खाना बनाना पड़ता था, यू हैड टू कुक द फूड, यू हैड टू कुक द फूड। अब मैंने आपके स्क्रीन पर इतने एग्जाम्पल दिए हैं और मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स पर काम किया है, आप इसी टाइप से एग्जाम्पल आप दिन भर में जो रोजमर्रा आप सोचते हैं उसे आप इंग्लिश में हैड टू के माध्यम से बोल सकते हैं। पुराना काम आपको बताना, मुझे ये करना पड़ता था, मुझे कॉपी लिखना पड़ती थी, मुझे रोज लेसन लर्न करना पड़ते थे, आपको पुरानी बात आपको प्रेजेंट बताना है, तो उसे आप हेड टू के यूज के माध्यम से आप इंग्लिश में बता सकते हैं अपने दोस्तों को, भाई बहन को, घर में रिश्तेदारों को, सबको दोस्तों। जब आप कोशिश करेंगे तभी आपकी धीरे धीरे इंग्लिश सुधर पाएगी दोस्तों, है ना। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने कमेंट करके मुझे बताया था, इंग्लिश स्पोकन से रिलेटेड भी कुछ टॉपिक डालिए, तो वो हम लगातार आपको दे रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो क्लास में सिर्फ इतना ही, इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही, अगले वीडियो में हम बताएंगे विल हैव टू और शैल हैव टू का यूज दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ और नए वीडियो का इंतजार करते रहिए। यदि आपको समय पर नया वीडियो चाहिए तो बेल आइकन को प्रेस करें सब्सक्राइब के साथ दोस्तों। धन्यवाद।